आज की वीडियो में हम आपको फेरम सिप सिरप के बारे में जानकारी देंगे, जो कि एक होम्योपैथिक दवा है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको फेरम सिप सिरप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो फेरम सिप सिरप, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइस 190 रुपये है और ये 180 ml की पैकिंग में आता है। ये अलग अलग पैकिंग में भी आता है, तो समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको SBL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें फेरम फास्फोरिसम, सिंकोना ऑफिसिलिनेलिस, काली फास्फोरिकम, फेरम मुरिएटिकम, इसके अलावा नेट्रम फास्फोरिकम, फेरम मेटेलिकम और एल्कोहल होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। फेरम सिप सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है? तो इस सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से एनीमिया यानी कि खून की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई हो, खून की कमी हो गई हो, जिसके कारण शरीर में कमजोरी आ गई हो, थोड़ा सा काम करने पे आलस महसूस होता हो, चक्कर आता हो, हाथों पैरों में दर्द होता हो या हाथों पैरों में झुंझुनाहट महसूस होता हो, तो इन सब समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन यह सिरप है जो कि शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो इस सिरप का जो नॉर्मल डोज होता है एक एडल्ट व्यक्ति के लिए, तो वो इसको 5 ml दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, और 13 साल से नीचे बच्चे हैं तो वो 2.5 ml दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं फेरम सिप सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो यह एक होम्योपैथिक सिरप है, इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी फेरम सिप सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।